हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग पार्ट वन देख रखे हैं हमारे आज के डिस्कशन का, और वो है बैंकिंग सेक्टर का। देखने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी नए हैं उनके लिए टेलीग्राम के लिंक और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे ये दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप अब तक रीच आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दी गई है, जिसको आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट्स वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ मटेरियल के नीचे एक लिंक भी दी हुई है, उस लिंक के थ्रू भी आप सारे मटेरियल हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी कुछ कोर्स डिटेल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है, जिसको कि आप अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट में ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में देख रखा है, ये अपने हम लोगों ने पार्ट वन में देखा हुआ था। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमारा बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। इस टॉपिक को जरा आगे लेकर के चलते हैं और हम लोग जरा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहली आती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। तो लास्ट क्लास में भी जब क्वेश्चन आंसर हुआ था, मैंने आप लोग को बोला था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आगे बढ़ाऊंगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बैंक्स जितने भी हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बिजनेस एंटिटी। और चूंकि ये बिजनेस एंटिटी हैं, इस वजह से क्या है कि ये जो भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो सेफ बिजनेस करना चाहते हैं, और सेफ बिजनेस करने में जितने भी कह लीजिए कि हाई बिजनेसमैन हैं या जितने भी बड़े कंपनी वाले हैं, केवल उन्हीं को ये लोन वगैरह देना प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होगा, लोन की एक्चुअल में जरूरत किसको होती है, लोन की एक्चुअल में जरूरत होती है जो वीकर सेक्शन का होता है, जो वीकर होता है। वीकर हो गया मतलब एंटरप्रेन्योर हो गया कोई, उसको जरूरत हो जाती है, या फिर जो एजुकेशन वगैरह में जरूरत हो जाती है, या फिर हेल्थ वगैरह में जरूरत पड़ जाती है, या एमएसएमई वगैरह सेक्टर में जरूरत पड़ जाती है, एग्रीकल्चर में जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो वीकर सेक्शन है बेसिकली वहां पर हमें लोन की ज्यादा जरूरत है। बट यहां पर क्या है कि बैंक्स वगैरह लोन देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर थ्रेट बहुत ज्यादा है कि ये लोन ये लोग वापस नहीं कर पाएंगे, ये एक थ्रेट बना रहता है। तो देख सकते हैं आप, बड़े लोग जो होता है चकमा देकर के निकल गए माल्या साहब टाइप के, और बैंक वाले फिर से मुंह देखते रह गए केवल और केवल। तो यहां पर वही केस हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज टू डेवलप दीज सेक्टर्स। इन सेक्टर को डेवलप करना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म बना दिया, एक नया रूल बना दिया, और कहा कि पहली बात, आपको जितना भी आप लोन देते हैं इनको लोन देना तो मस्ट है, इनको लोन देना आपको मस्ट है, देना ही देना है। और इस मस्ट का नाम ही रखा गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ प्रोग्राम टू एंश्योर दैट एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब लोन ही होता है, फ्लोज इनटू सम ऑफ द वल्नरेबल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इंडियन बैंक्स नीड टू लेंड 40%, तो टोटल जो है 40% ऑफ द टोटल लोन, जितना भी लोन ये साल भर का दे रहे हैं उसका 40% इनको, साल भर का टोटल लोन का 40% इनको लेंड करना पड़ता है इन सारे सेक्टर्स में। बाकी उसके बाद सब सेक्टर अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं कि 10% एग्रीकल्चर में देना होता है, 18% सब टारगेट होते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस हैं। बट आपको क्या है कि इसका डिवीजन याद करने की जरूरत नहीं है, 10% या ये 18% ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप याद रखिए कि किस किस चीजों में दिया जाता है, जैसे सैनिटेशन हो गया, एमएसएमई हो गई, एनर्जी हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गई, हाउसिंग हो गई, या फिर वीकर सेक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सारे सेक्टर्स में बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दी जाती है। इसके अलावा फॉरेन बैंक, इनको भी, इनके जितने जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके ऊपर भी ये लायबिलिटी होती है कि इन लोगों को भी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये फॉलो करना होता है, इस नॉर्म को फॉलो करना होता है। तो फॉरेन बैंक्स हैविंग लेस देन 20 ब्रांचेस हैव टू फुलफिल ओनली 36% रीच 40 इन फेज मैनर सब टारगेट फॉर एक्सपोर्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एंड माइक्रो एंटरप्राइज। तो इस तरीके से इनको भी अपना देना पड़ता है, अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है, लोन देना पड़ता है इस तरीके से। क्लियर हो गया क्या चीज है? बाकी इसके बाद होती है कुछ बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ था कि चूंकि बैंक्स में होता क्या है, बैंक्स ऐसा नहीं है केवल और केवल इंडियन बैंक्स ही केवल है, हमारी बहुत सारी फॉरेन बैंक्स भी है, सारी चीजें हम, तो बैंक्स के हेल्दी होने के लिए कह लीजिए एक संस्था है स्विट्जरलैंड में, और उस संस्था ने, बेसल ने एक नॉर्म बना रखे हैं, और इन्होंने अलग अलग तरीके से नॉर्म बनाया है सो दैट हेल्दी लाइफ ऑफ बैंक कैसे बनाई जाए।
तो उसके लिए बैंक बेसल नॉर्म्स बनाए गए। तो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज एन इंटरनेशनल कमिटी फॉर्म्ड इन 1974 टू डेवलप स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो बेसिकली यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन के लिए मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे हम लोग अगर बात किया जाए तो देखिए बैंक बैंक में हम लोगों ने देखा था कि जो कोई भी डिपॉजिट करने आ रहा था उस डिपॉजिट से हम लोग 110 कुछ फॉर्मेट ऑफ रिजर्व अमाउंट रख दे रहे थे, और ये रिजर्व अमाउंट जैसे हम लोग बैंक अप वाले अपने पास भी रख रहे थे और उठा करके आरबीआई के पास भी रख रहे थे। जो आरबीआई के पास रख रहे थे उसका नाम हम लोगों ने दिया था सीआरआर, जो रिजर्व खुद रख रहे थे उसका नाम हो रहा था एसएलआर। तो इस तरीके से चीजों को रिजर्व करके रखना पड़ रहा था। बट ये जो रिजर्व अमाउंट होती है ये कुछ खास होती नहीं है और ये ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, ये ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है। तो इस वजह से बेसल नॉर्म्स आए और इन्होंने अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन मेजर्स बताई, और इन प्रोटेक्शन मेजर के बारे में जरा हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। वन सेकेंड, यस। तो यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक फ्रॉम 27 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन, बाकी ये बता दिया है कितने मेंबर्स वगैरह हैं, तो इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो हेडक्वार्टर जो होता है वो बेसल में ही है, बेसल जो है स्विट्जरलैंड में है, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। इट डेवलप अ सीरीज ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कैपिटल रिस्क। अगर मान लीजिए किसी को लोन दिया गया है एंड नाउ द लोन इज नॉट गेटिंग बैक, तो वापस नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल रिस्क हो जाएगी। इसके अलावा मार्केट रिस्क भी हो सकती है कि आपने लोन दिया वो लोन फंस गया है, या किसी ऑपरेशनल मतलब कि कोई मार्केट के ओरिएंटेशन में, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी है वो इन्वेस्टमेंट इनकी अब स्ट्रेस्ड हो गई है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट पे अब रिटर्न नहीं आएगा, तो अगेन मार्केट रिस्क पे भी आ जाती है, या ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकती है। तो इन सारे रिस्कों को खत्म करने के लिए ही बेसल एकॉर्ड ने अपना कुछ गाइडलाइन दिया, कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिसमें से एक इस रिकमेंडेशन में अगर बात करते हैं तो पहले थोड़े से इसके बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ बेसिक्स इसमें आइटम होते हैं वो आपको जानने की जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें एक होता है जिसको बोला जाता है टायर वन कैपिटल, मतलब कि बैंक को अपने पास तीन तरीके के कैपिटल मेंटेन करके रखने होते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है टायर वन कैपिटल, दूसरा होता है जिसको बोला जाता है टायर टू कैपिटल, तीसरा होता है जिसको बोला जाता है टायर थ्री कैपिटल। तो ये सारा का सारा हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसल नॉर्म, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ है कि बैंक वाले जो भी डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें से एक रिजर्व अमाउंट अपने पास रख लेते हैं और बाकी उसके बाद जो चीजें होती है वो लोन अमाउंट में दे रहे होते हैं। बेसल कहता है कि जो हमारा टायर वन है, इस टायर वन का मतलब है विच कैन एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट अ बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो यहां पर कहा यह गया है कि देखिए बैंक के पास अपना खुद का एक रिजर्व होता है। जैसे मैं छोटे से बहुत ही आसान से शब्दों में बताता हूं, जैसे सब लोग वॉलेट रखते होंगे, पर्स रखते होंगे, वॉलेट, इस वॉलेट में आप लोग अपना कुछ सीधी सी बात है पैसा वैसा रखते ही रखते हैं, लेकिन इसमें जरूर एक होती है जिसको बोलते हैं चोर जेब। इस चोर जेब में आप 100 रुपए या 500 रुपए हमेशा बना के रखे रहते हैं और कहते हैं कि जब कुछ नहीं रहेगा तब हम केवल यूज करेंगे, मतलब दिस इज इमरजेंसी कंडीशन का फंड, इमरजेंसी फंड एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आप क्या है, कोई भी दोस्त यार कुछ भी आते हैं तो ये चोर जेब की चीजों को आप कभी नहीं दिखाते हैं, आप दिखाते हैं केवल और केवल जो वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है। जब वॉलेट में पैसा खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब केवल आप इस चोर जेब से पैसा निकालते हैं, और जब चोर जेब से पैसा निकालते हैं तो आप डरे रहते हैं कि भाई आगे जाकर के मुझे मेंटेन करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, तो ये बेसिकली सब कुछ चला जाएगा, तो इस वजह से आप क्या है बहुत ही डरे रहते हैं। तो यहां पर जो ये पैसा है जिससे आप क्या है कि अपना सारा कामकाज चला रहे हैं, जितनी भी फंक्शनिंग है, जो भी काम करना है, इसी को बोला जाता है टायर वन, इसको बोला जाता है टायर वन कैपिटल। और जो ये चोर जेब वाली जो अमाउंट है जिससे आप अपना सब कुछ लूट जाएगा जिसके बाद, इसको बुलाता है टायर टू कैपिटल। क्लियर हो गया क्या चीज है टायर वन टायर टू। तो टायर वन का मतलब है जहां पर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ कर रहे होते हैं, नॉर्मल डे टू डे। अगर ये मान लीजिए लॉस में जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब द लॉस विदाउट अ बैंक बींग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को रोकने की जरूरत नहीं अगर ये लॉस में जाती है तो, क्योंकि लॉस को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन टायर टू ये गया तो सब कुछ गया। तो यहां पर क्या है, इट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप विच प्रोवाइड लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द डिपॉजिटर। क्यों, क्योंकि यहां चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, तो इस वजह से डिपॉजिटर को जो प्रोटेक्शन देना होता है वो भी बहुत ही लेसर कह लीजिए डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गया, टायर वन टायर टू में क्लैरिटी आ गई। हालांकि देखिए इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारे सिलेबस के उतना सिलेबस में नहीं होता है,
बट ठीक है, आपको एक केवल और केवल कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं चीजों को बता रहा हूं। टायर थ्री कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो टायर थ्री कैपिटल होती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट होता है, कह सकते हैं दिस इज एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट। अब ये एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज होती है? एक्स्ट्रा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है इट इज अ टर्शरी कैपिटल ऑफ बैंक्स व्हिच आर यूज्ड टू मीट मार्केट रिस्क, कमोडिटी रिस्क और फॉरेन करेंसी रिस्क। तो बेसिकली क्या है, जो फॉरेक्स रिस्क वगैरह होती है इसको मैनेज करने के लिए कैपिटल टायर थ्री होती है। ये भी क्या है, केवल और केवल जो है कह लीजिए कि दिस इज सस्टेनेबल तरीका। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये गड़बड़ हो गया तो बैंकिंग फैसिलिटी खराब हो जाएगी। नो, बैंकिंग फैसिलिटी आप तभी खराब होगी जब आपके टायर थ्रू कैपिटल पे कोई ना कोई एक निगाहें पड़ जाए, टायर थ्रू की कैपिटल जो होती है वो रिस्क में आ जाए। क्लियर हो गया क्या चीज है? टायर वन क्लियर हो गया, टायर टू क्लियर हो गया और टायर थ्री भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, इसके बाद आती है बेसल थ्री नॉर्म। तो देखिए बेसल ने क्या किया था, अपना अलग अलग नॉर्म दिया हुआ है, जैसे बेसल वन हो गया, बेसल टू हो गया, सिमिलरली बेसल थ्री नॉर्म भी आ रखी है। तो फिलहाल अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज, या कह सकते हैं इंडियन बैंकिंग जो सिस्टम है इज फॉलोइंग बेसल टू नॉर्म प्रेजेंट केस में। तो बैंक्स जो है अभी इसी को फॉलो कर रहे होते हैं 2019 से, इनफैक्ट 2019 क्या 2020 कर दिया गया है, 2020 से वी आर गोइंग टू फॉलो बेसल नॉर्म थ्री। इस बेसल नॉर्म थ्री में क्या है, इस बेसल नॉर्म थ्री में थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन है, थोड़ा सा ज्यादा हाई प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, हाई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिया जा रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हाई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर कैसे कैसे लिया जा रहा है, अभी तक हम लोगों ने बात कर रखा है कि हमारे बैंक को अपना अमाउंट कुछ रिजर्व में रखना पड़ता है, जैसे जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है या फिर हमारा SLR हो जाता है। यहां पर कहता है कि देखिए कुछ आपको एक्स्ट्रा रिजर्व भी रखने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा रिजर्व कैसे रखने पड़ेंगे, क्या रखने पड़ेंगे, यहां पर जैसे इन्होंने बोला कि देखिए आपको एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखना पड़ेगा, एक नाम हो गया कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर का मतलब यही है कि इन केस अगर आगे जाकर के किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चोर जेब तैयार होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा चोर जेब है ये, जहां पर अगर किसी प्रकार की एनपीए की प्रॉब्लम आती है या कोई स्ट्रेस सिचुएशन भी आती है या इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो जाता है तो आप इस कह लीजिए कैपिटल बफर से आप उस चीज को सॉर्ट आउट कर सके। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। दूसरा एक बफर लिया गया जिसका नाम है काउंटर साइक्लिकल बफर, काउंटर साइक्लिकल बफर। अब ये क्या है, जैसे देखिए जनरली इकोनॉमी में ऐसा पाया गया है कि इकोनॉमी एक बार जब अप आती है तो दूसरी बार डाउन भी जाती है, तो इस तरीके से मेजर हमें देखने को मिलता है। जैसे क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आप लोग को बताया था कि इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी है हर 6 साल के बाद बेसिकली मतलब एक साइक्लिकल ट्रेंड देखती है। तो साइक्लिकल ट्रेंड 14 वीक्स का टाइम लेती है, 14 मंथ्स का टाइम लेती है और 14 मंथ्स में ही अपने आप को रिपीट कर रही होती है। तो 14 मंथ के हिसाब से इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली रिसेशन फिर आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद रिसेशन के बाद फिर ग्रोथ आएगा ही आएगा, तो एक ये साइक्लिकल ग्रोथ बन जाती है। यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पर आपके पास फंड की कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहां पर आपको फंड की दिक्कत आ सकती है। इस फंड की दिक्कत से बचाने के लिए बेसल ने बोला कि यू हैव टू मेंटेन वन मोर बफर कैपिटल, जिसको बोला गया काउंटर साइक्लिकल बफर। काउंटर साइक्लिकल मतलब इस साइक्लिक के, इस साइक्लिकल ग्रोथ और रिसेशन के अगेंस्ट में आपको एक बफर बना के रखना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा काउंटर साइक्लिकल बफर। क्लियर हो गया सब काउंटर साइक्लिकल बफर क्या है? नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यही होता है जैसे कैश CRR, दिस इज लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड फॉर्मेट किसके पास पड़ा हुआ है? RBI के पास पड़ा है। सिमिलरली लिक्विडिटी आपको एक रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा SLR में केवल और केवल ट्रेजरी बिल भर दें या बॉन्ड पेपर भर दें या फिर गोल्ड भर दें, आपको कुछ यहां पर लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ऐसा बोला गया हमारे इस बेसल थ्री नॉर्म के द्वारा, कुछ लिक्विडिटी मेंटेन करके कुछ हार्ड कैश में पैसे रखिए। नेक्स्ट बोला गया लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो देखिए कुछ खास है नहीं, यहां पर बेसिकली लेवरेज का मतलब ये होता है कितना आप लेवरेज दे रहे हैं, कितना आप किसी चीज को मतलब कह लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली है क्या, ये टायर वन के कैपिटल को और टायर टू के कैपिटल को जब आप जोड़ देते हैं, मतलब अपने पर्स के जितना भी पैसा है उसको जोड़ दीजिए और उसको आप डिवाइड कर दीजिए वेटेड वेटेड जो भी मतलब रिस्क में है, वेटेड रिस्क असेट, और यहां से जो वैल्यू निकल के आती है उसको बुलाता है लेवरेज रेशियो। मतलब क्या है यहां पे, मतलब यहां पर यह है कि इतना अमाउंट आपको बना के रखना है कम से कम, मतलब कि टायर वन टायर टू में कम से कम इतना अमाउंट बना के रखना है जो लेवरेज रेशियो
लेवरेज रेशियो इनटू रिस्क असेट के, रिस्क असेट जितना भी है उससे आपको ज्यादा अपना टायर वन और टायर टू बना करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, लेवरेज रेशियो मान लेते हैं कि जो होता है 10.5 है, यही प्रिस्क्राइब्ड है, और हमारी जो रिस्क असेट है मान लेते हैं कि रिस्क असेट जो होती है वो 1 लाख की है, तो टोटल आपको टायर वन टायर टू में कितना बना के रखना पड़ेगा, आपको बना के रखना पड़ेगा 10.5 लाख रुपीज, और ये बना के रखना होगा अपने इस रिजर्व अमाउंट में। तो ये जो रिजर्व है बेसिकली हमारे सीआरआर और एसएलआर के बाद, जैसे सीआरआर मान लेते हैं 3.5% है, एसएलआर मान लेते हैं 8.5%, 18% है, तो इनके अलावा मतलब इन दोनों को मिला करके मान लेते हैं कि 21% जो आ रहा है, 21-22% जितना भी आ रहा है, उसके अलावा यू हैव टू मेंटेन वन मोर एक्स्ट्रा 10.5 लाख एक्स्ट्रा लिक्विड असेट, जो कि आपके एनपीए की या फिर कह लीजिए आपके रिस्क असेट की, रिस्क असेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए रहेगा। तो ये बताया गया लेवरेज रेशियो में। सिमिलरली बेटर क्वालिटी, बेटर कैपिटल क्वालिटी, मतलब कि आपको एक बेटर क्वालिटी रखनी पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। बाकी उसके बाद रिवाइज्ड मिनिमाइज इक्विटी एंड टायर वन कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो टायर वन की कैपिटल की रिक्वायरमेंट के उन्होंने बता दिया कितना रखना वखना है, ये सब चीजें। देखिए यहां पर आपको जितना भी नॉर्म्स है या आपको उतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको केवल ये याद रखना है, मतलब एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा बेसल थ्री नॉर्म किससे रिलेटेड है बस, लेकिन ये नाम आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ये अलग से सिंगल कंसेप्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि इन कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्लियर हो गया। बाकी इसके बाद देखिए कैपिटल टू रिस्क असेट, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसको बोला जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का फॉर्मूला देखिए दिया ही हुआ है, जहां पर आपको बताया गया है कितना आपने रिजर्व अमाउंट रखा हुआ है डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड असेट, रिस्क वेटेड असेट, ये हो गई आपकी सीआरएआर, ठीक है। सीआरएआर भी इसको बोला जाता है या फिर बोला जाता है सीएआर। सीआरएआर का मतलब क्या होता है, सीआरएआर का मतलब होता है कैपिटल रिजर्व असेट एडिक्वेसी रेशियो, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बैंक्स रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर, जो कि 10.5% बना करके रखने की बात कही जा रही है। मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू इंश्योर दैट बैंक्स हैव इनफ कुशन टू एब्जॉर्ब लॉसेस बिफोर बिकमिंग इंसॉल्वेंट एंड लूजिंग डिपॉजिटर्स फंड। तो इसको मेंटेन क्यों करके रखा जाता है, इसको मेंटेन इसलिए करके रखा जाता है क्योंकि कल को अगर मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करने वाले लोग 10 करोड़ रुपए थे और इन्होंने 10 करोड़ का 2 करोड़ रुपए अपना निकाल के रख दिया और उसके बाद से बाकी का बचा हुआ 8 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए लोन पे दे दिया और ये लोन अमाउंट मान लेते हैं वापस केवल और केवल 6 करोड़ आया, 2 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो गया और कल को ये लोग आ गए, पहुंच गए कि भैया हमको अपना पैसा चाहिए, तो केवल और केवल इनके पास देने के लिए केवल 8 ही करोड़ रुपए है, 2 करोड़ कहां से लेकर के आएंगे, तो इसलिए इनको केवल लोन उतना ही देना है जितना इनका सीआरएआर बोलेगा या फिर सीएआर जिनको बोलेगा। तो इस तरीके से बेसिकली इनकी हिस्ट्री के बेसिस पे इन डिसाइड हो रहा होता है कि लोन कितना ये दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इस पूरे कंसेप्ट का मतलब होता है, क्लियर। CRAR is required to be 9% by RBI. RBI बोलती है कि CRAR आपको 9% करके रखना है, ठीक है, based on Basel 3 norm, whereas 7% to be met by Tier 1 capital और remaining 2% by Tier 2 capital. तो इसमें 9% maintain करके रखना है, जो हम लोग 10.5% यहाँ पे करके रखे हुए थे, actual में RBI ने बोला है उसको 9.5% केवल करके रखना है, जिसमें कि टायर वन जो रहेगी वो 7% कवर कर रहा होगा और जो टायर टू होगी वो कवर कर रही होगी 2%, मतलब ये होगा चोर जेब वाला, और हमेशा चोर जेब में क्या है, कमी रुपए रखते हैं, इसमें दिखाने वाली चीज ज्यादा होती है, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। अब हम लोग जरा आते हैं और देखते हैं हमारी इंडिया ने किस तरीके से बेसल नॉर्म का इंप्लीमेंटेशन किया है। प्रेजेंटली इंडिया फॉलोज व्हाट, इंडिया फॉलोज बेसल टू नॉर्म, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही। फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन जो रहेगी वो मार्च 31, 2019 से होगी, हालांकि इसको पोस्टपोन किया गया है, 2020 से स्टार्ट हो रहा है। द की कैपिटल एडिक्वेसी पैरामीटर हैज बीन स्टिपुलेटेड 9% हायर देन इंटरनेशनल नॉर्म ऑफ 8%। तो पहले 8% है बाकियों के लिए, हम लोग अपने लिए 9% रखे हुए हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा कह लीजिए कि प्रोटेक्टिव मेजर हम लोग लेकर के चल रहे हैं। रिकैपिटलाइजेशन के बारे में क्या चीज है, तो रिकैपिटलाइजेशन पहले पढ़ लीजिए, लेंडिंग टू द बैंक रिसोर्स नीडेड टू कंफर्म to the capital adequacy norm which stand at 8% to the minimal level, ठीक है, क्या चीज है। recapitalization के बारे में छोटा सा मैं आप लोग को एक example बता देता हूं, recapitalization का मतलब क्या होता है। recapitalization ये एक technique है जिसके through पैसा raise किया जाता है, technique to raise money, या कह सकते हैं to raise fund। अब जैसे मान लीजिए this is bank, ठीक है, bank के पास जो deposit होने आया था
ब्रॉड पिक्चर हम लोग देखेंगे अब क्योंकि इतना इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप ब्रॉड कंसेप्ट आप देख सकते हैं। डिपॉजिट मान लेते हैं कि केवल 10 करोड़ रुपीज जो होती है वो डिपॉजिट हुई थी, ठीक। इन्होंने क्या किया, 2 करोड़ रुपए अपने पास रखे और बाकी के 8 करोड़ रुपए जो होते हैं वो लोन अमाउंट में दे दिए। ये सोचा कि बढ़िया इस पर 10 करोड़ रुपए जो होता है इंटरेस्ट के साथ में कमा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, 8 करोड़ में से केवल और केवल 6 करोड़ वापस आया और 2 करोड़ का यहां पर 2 करोड़ का एनपीए बन गया। तो टोटल अगर अमाउंट देखी जाए तो कितना इनके पास है, केवल और केवल 8 करोड़ रुपए ही इनके पास है। बट इनको क्या करना है, 10 करोड़ रुपए किसी हाल में बना करके रखना ही है। कल को अगर मान लीजिए जनता आ जाती है तो क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, नाउ दे विल स्टार्ट मेकिंग न्यू, कुछ न्यू टेक्निक्स, कुछ नई टेक्निक यहां पर लेकर के आएंगे। और इस न्यू टेक्निक का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेपर, बॉन्ड पेपर या फिर गोल्ड पेपर या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। हर एक बॉन्ड का अपना नाम होता है, तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। इस रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में करेंगे क्या बैंक वाले, बैंक वाले कहेंगे कि आज की डेट में आप मुझे 100 रुपए अगर देंगे तो मैं आपको 1 साल बाद 110 रुपए दूंगा। आम जनता कहेगी यार बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया यार, ये तो खतरनाक तरीके का स्कीम निकाल के रखा है बैंक ने, इतना तो इंटरेस्ट कभी दिया ही नहीं है। 100 रुपए इनको अगर हम देंगे तो दो फायदा, पहला 100 रुपए हमारा सेफ है, दूसरा चीज इंटरेस्ट भी हमें हाई मिल रहा है, तो हमारा फायदा ही फायदा है। तो आम जनता इस तरीके, अब अच्छा एक आम जनता को हमेशा डाउट ये रहेगा कि यार विजय माल्या लेके भागे हैं तो कहीं बैंक हमारा लेके भाग गई तो यहां पर क्या होगा कि चूंकि ये सारी की सारी पब्लिक एंटिटीज हैं तो यहां पर सरकार का एक दबाव रहता है बैंक के ऊपर कि बैंक कभी भाग नहीं सकती है। तो इस वजह से ये लोग अल्टीमेटली इस डाउट को खत्म करेंगे और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो अपने पास पैसा रखेंगे वो इन्वेस्ट कर देंगे रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में। इस तरीके से रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए ये बैंक क्या करेगी, अपने आप से 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ये रेज कर लेगी यहां से, क्योंकि ये अमाउंट पहले से फिक्स होता है कितना रेज करना है, तो ये अमाउंट फिक्स होती है। अल्टीमेटली ये लोग अपना 10 करोड़ रुपए बना लेंगे ताकि ये लोग सेफ गेम प्ले खेल पाए। तो जितना डिपॉजिट हुआ है उतना डिपॉजिट दिख रहा है, तो दिस इज हाउ द थिंग इज। लेकिन ये रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड या बॉन्ड पेपर या जितनी भी चीजें हैं ये हमेशा एक टेंशन होती है, या कह सकते हैं दिस इज लायबिलिटी ऑफ बैंक। समझ में आ गया क्या है लायबिलिटी ऑफ बैंक। हम लोगों ने इनफैक्ट लायबिलिटी के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, उसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड पेपर, गोल्ड बॉन्ड, ये सब जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी लायबिलिटीज होती हैं। क्लियर हो गया रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड का मतलब क्या है। तो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड लेंडिंग टू द बैंक, पैसा लेंडिंग टू द बैंक रिसोर्स नीडेड टू कंफर्म टू द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म। तो बेसिकली क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म है, मतलब कि कितना पैसा आपको बना करके रखना है, इसी को बनाने के लिए आपने क्या है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड पेपर जारी कर दिया है जिसके थ्रू आप कैश अपने पास ले आ रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है रिकैपिटलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मनी फ्लो के बारे में। अब मनी फ्लो क्या है, नाउ वी आर गेटिंग इनटू मैक्रो से अब हम लोग धीरे धीरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं। क्लियर, अब हम लोग जरा देखते हैं मनी फ्लो का मतलब क्या है। मनी फ्लो का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं ये आम जनता है, ठीक है, दिस इज आम पब्लिक। आम पब्लिक के पास अपना जो भी पैसा होता है ये पैसा सेव करने के लिए प्लस थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट कमाने के लिए ये लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने में कई जगह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एक होता है जो बैंक्स होती हैं। अब बैंक्स में भी अलग अलग तरीके से, जैसे एक होता है जो सेविंग्स अकाउंट होती है। सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है कि डीडी बनती है, डीवीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट बनती है। देखिए चेक और डीडी में कुछ खास अंतर नहीं होता है। चेक क्या होती है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा हो चाहे ना हो, आपकी मतलब सेविंग्स अकाउंट में उतना पैसा हो या ना हो, चेक आप इशू कर सकते हैं। हालांकि बाउंस वाउंस करने पे आगे अलग केस होता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट एक तरीके की चेक ही होती है। बट ये वो चेक होती है जिसमें आप एश्योर्ड रहते हैं कितना पैसा तो अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है। तो इस वजह से जो होती है बैंक एक्स्ट्रा जो होती है इस पे चार्ज वार्ज लेती है। खैर चलिए, बैंक्स में एक तो सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं, इसके अलावा टाइम डिपॉजिट ये लोग रख सकते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट का मतलब हो गया जैसे रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं दीज आर द टाइम डिपॉजिट। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो एक तो तरीका हो गया जहां पर ये बॉन्ड वगैरह मतलब बैंक में लेते हैं। दूसरा तरीका होता है बॉन्ड पेपर परचेज करने का, दूसरा इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड पेपर या फिर गोल्ड पेपर या फिर
कोई भी मतलब इस तरीके से जो भी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड वगैरह निकालती है ये परचेज करने का होता है। तो ये हमारा हो गया एक तरीके का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट। तीसरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आप असेट खरीदिए, चाहे गोल्ड खरीद लीजिए, चाहे प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, तो ये भी एक तरीके का तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है। चौथा इन्वेस्टमेंट होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है, ये हो गया चौथा तरीका। पांचवा तरीका हो सकता है कि आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है पांचवा तरीका। तो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। जैसे आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं, किसी बंदे को अपना पैसा दे सकते हैं, तो बहुत तरीके होते हैं। नंबर ऑफ वेज आर देयर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, बहुत तरीके हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में क्या था, शुरुआती का मतलब जब हम लोग इनिशियल डेज में इकोनॉमिक्स मतलब कि क्लासिकल इकोनॉमिक डेज में अगर बात करें, क्लासिकल इकोनॉमिक डेज में, तो उसमें क्या था कि हमारे पास ये जो नीचे के सिस्टम हम लोगों ने देखा, ये सिस्टम नहीं था हमारे पास। केवल और केवल क्या था, पहला नंबर। तो पहले नंबर के हिसाब से ही हमने बनाया था अपना मनी फ्लो। लेकिन चूंकि समय के साथ क्या होगा, ये मनी फ्लो ऑब्वियसली बात है केवल और केवल नंबर वन इन्वेस्टमेंट को ही कवर कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको रिवाइज भी कर दिया है। और रिवाइज करके हम लोगों ने न्यू लिक्विडिटी एग्रीगेट्स नॉर्म निकाला है, या फ्लो कह सकते हैं इसको। अब हम लोग पहले जरा देखते हैं मनी फ्लो के बारे में, देन वी विल लुक इनटू न्यू एग्रीगेट नॉर्म जो भी बनाए गए हैं उसके बारे में। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या क्या चीजें हैं न्यू एग्रीगेट नॉर्म में, जो नए तरीके की इन्वेस्टमेंट है उनको इंक्लूड किया गया है। क्लियर। अब जरा आते हैं हम लोग अपने पहले पुराना सिस्टम डिस्कस करेंगे मनी फ्लो, फिर उसके बाद से हम लोग मूव करेंगे अपने न्यू लिक्विडिटी एग्रीगेट नॉर्म के बारे में। तो मनी फ्लो में अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहली होती है जिसको बुलाता है M0, मतलब जीरो मनी, या इसी को बुलाता है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी का मतलब कितना होता है, रिजर्व मनी का मतलब होता है आरबीआई ने जितना पैसा छापा, जितना पैसा प्रिंट किया। क्लियर। अब जितना पैसा प्रिंट किया होगा वो कहां कहां रखा जा सकता है, एक गवर्नमेंट के पास हो सकता है, दूसरा पब्लिक के पास हो सकता है, तीसरा बैंक के पास हो सकता है, इन्हीं तीनों के पास हो सकता है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना कुछ पैसा आरबीआई में जमा कर सकती है, तो आरबीआई के पास भी पैसा हो जाएगा। पब्लिक बैंक के पास ही जमा करेगी, और बैंक वाले अपना पैसा कुछ आरबीआई में जमा कर सकते हैं। तो बेसिकली यही वो पूरा का पूरा सिस्टम है जहां पर कैश अमाउंट में जो पैसा है वो रखा होगा, कैश अमाउंट वाला पैसा, यानी ये कैश वो ही कैश होगा जो आरबीआई ने केवल प्रिंट किया होगा, तभी ना केवल और केवल इतना घूम रहा है। तो टोटल आप बोल सकते हैं M0 का मतलब क्या होगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी सर्कुलेशन में करेंसी है, बैंक का डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, गवर्नमेंट की डिपॉजिट विद आरबीआई, और बाकी पब्लिक और बैंक या जितने भी लोग हैं वो तो सर्कुलेशन में मनी आई जाएगी। तो बेसिकली जितना कैश होगा वो सारा का सारा कैश यहां पर क्या काउंट हो गया, तो बेसिकली ये हो गया सबसे लिक्विड फॉर्मेट, दिस इज मोस्ट लिक्विड। क्लियर। इसके बाद दूसरी होती है, इसको बोलाता है नैरो मनी, M1 नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब क्या होता है कि जितना भी करेंसी विथ द पब्लिक है, मतलब M0, जितना भी करेंसी है वो साथ में इनके, प्लस अब हम लोग आ जाएंगे थोड़ी सी लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज का मतलब जो थोड़ा लेस लिक्विड है। अब लेस लिक्विड में क्या क्या चीज हो जाएंगी, जैसे सबसे पहले तो आ गया आपका सेविंग्स का जो भी अकाउंट है उसकी डिटेल के बारे में, सेविंग्स डिटेल। तो डिमांड डिपॉजिट बेसिकली, या फिर सेविंग अकाउंट बोल सकते हैं, एक ही चीज है, विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो M0 में ही चला गया जो अदर डिपॉजिट है, तो ये हो जाती है, इसको बोला जाता है क्या, M1। क्लियर हो गया। सिमिलरली होता है नेक्स्ट M2, जिसको बोला जाता है M2 में क्या होती है कि आपकी M0 तो है ही, जो सेविंग्स अकाउंट है ये भी ऐड कर दिया गया सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट के बाद अब आप क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग्स अकाउंट को जोड़ देते हैं, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को, ठीक। तो ये हो जाता है आपका M2। M3 में क्या होता है कि जो सिस्टम यहां पे आया, ये प्लस सेविंग्स अकाउंट प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर RD रिकरिंग डिपॉजिट।
जो बैंक्स के पास में है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जो चीजें होती हैं ये ज्यादा कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम इसी में जुड़ा होता है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो आप इतना ज्यादा जो है ये M2 बहुत ज्यादा जो होता है मतलब आपको रेगुलर न्यूज में नहीं दिखेगा, आपको रेगुलर न्यूज में M1 दिखेगा, M3 दिखेगा मेनली। क्यों M3? क्योंकि यहां पर सारा कुछ काउंट हो गया जो बैंक के पास में है, जितना बैंक के पास हो सकता है सब कुछ काउंट हो गया। सेविंग्स अकाउंट होगी, इसके अलावा क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट और ये सारी चीजें होंगी, तो इस वजह से सारा कुछ यहां पर काउंट हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है, इसको M4 बोलते हैं, हालांकि ये भी कुछ खास न्यूज में नहीं रहेगी क्योंकि कुछ खास ये भी मतलब कह लीजिए कि जो होता है फ्लो नहीं करता है। यहां पर क्या होता है, सारा कुछ प्लस पोस्ट ऑफिस में जितना भी FD हो गया, RD हो गया, जो कुछ भी हो गया, वो सारा का सारा यहां पर इंक्लूड कर लिया जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने सिस्टम देखा। थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाए। और जैसे मान लेते हैं कि RBI है, ठीक है, RBI ने टोटल प्रिंट किया है, मान लेते हैं कि ₹1000 प्रिंट कर दिए, तो प्रिंट किए तो मतलब क्या हो गया, दिस इज M0, कोई डाउट नहीं, M0 हो गया। अब मान लेते हैं कि एक बंदा है, ये बंदा है, इसके पास मान लेते हैं कि जो होता है हजार नहीं, इसके पास मान लेते, चलिए ठीक है, ₹1000 इसके पास आ गया है किसी तरीके से, दिस इज अंबानी मान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, अपना पैसा बैंक में ले जाकर के जमा किया। बैंक में जब ले जाकर जमा किया तो इन्होंने दो तरीके से किया, सेविंग्स में इन्होंने ₹400 जमा किए या ₹600 जमा किए मान लेते हैं, और टाइम डिपॉजिट में इन्होंने ₹400 जमा किया, ठीक। बैंक ने क्या किया, लोन दिया, किसको, इंडस्ट्री को, ₹1000 है, ₹1000 में इन्होंने क्या किया, ₹100 रिजर्व कर दिया, और बचा हुआ अमाउंट जो होता है लोन के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, मतलब इनके पास आ गया कितना, ₹900 सैलरी के फॉर्मेट में इंप्लॉई को दे दिया गया। इंप्लॉई क्या किया, फिर से बैंक में गया और पूरा का पूरा अपना ₹900 जो इनके पास आया था वो ₹900 पूरा का पूरा यहां पे जमा कर दिया, और सेविंग्स बैंक में जमा किया मान लेते हैं 700, और टाइम डिपॉजिट में जमा किया है इसने ₹200। क्लियर, बैंक के पास फिर से कितना आ गया, बैंक के पास अपना पूरा का पूरा फिर से ₹900 आ गया। इस 900 में से बैंक ने कह लेते हैं कि ₹90 जो होता है अपने पास रखा, बाकी बचा हुआ ₹810 फिर से लोन दे दिया इंडस्ट्री को, और इस इंडस्ट्री ने वापस से इंप्लॉय को सैलरी वगैरह दे दिया, इंप्लॉय ने सैलरी दे दिया ₹810 मान लेते हैं सैलरी दे दिया, और आगे फिर से ये बैंक वैंक में जमा करेंगे तो खैर ये आगे की बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हम लोग उसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। M0 हमारा पता चल गया कि दिस इज M0 का मतलब कितना हो गया, M0 जितना भी छपा गया था ₹1000 छप गया, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर M1 के बारे में बात करते हैं तो M1 का मतलब कितना है, करेंसी विद द पब्लिक, कितना पब्लिक के पास पैसा है, क्या इनके पास ₹1000 है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जमा हो गया, क्या है इनके पास, इंडस्ट्री के पास नहीं, जब यहां चला गया, इसके पास भी नहीं है, बैंक के पास चला गया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इंप्लॉय के पास टोटल कितना है ₹810, तो ₹810 ये है टोटल पैसा, ठीक। तो जो करेंसी विद द पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट कितनी है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग्स में, अब सेविंग्स में इस बंदे का कितना पड़ा है ₹600, जोड़ लीजिए ₹600, फिर इसके बाद से आगे बढ़ेंगे, लोन अमाउंट दे दिया ₹900, यहां पर बैंक में ₹700 सेविंग्स में पड़ी है, ₹700 आप जोड़ लेंगे यहां पर फिर से, फिर इसके बाद बैंक में आ गया, लोन दे दिया इंप्लॉय के ₹810, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया टोटल हमारा कितना, टोटल बन गया हमारा ये पैसा, क्योंकि डिपॉजिटर्स वगैरह हम लोगों ने देख लिया, यानी कि टोटल मार्केट के कितना देखेंगे, ये 7 और ये 6, 1300, 1308, 2110, ये हमारा टोटल पैसा हो गया M1। क्लियर, इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं M2 के बारे में। M2 कुछ खास होगा नहीं क्योंकि मैंने कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस यूज नहीं किया, तो आई एम स्किपिंग दिस, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, कुछ खास है नहीं। क्योंकि M3 के बारे में जरा देखते हैं, अब M3 में क्या चीज है, अब M3 में यहां पर सॉरी M3 ये है, M3 में अगर देखेंगे तो जितना था प्लस टाइम डिपॉजिट और ऐड हो गया, मतलब कि ₹2110 तो होगा ही, प्लस साथ में टाइम डिपॉजिट जो कि ₹400 यहां पर है, साथ में आगे देखिए यहां पर ₹200 आ गया, तो ₹200 और जुड़ गया, और आगे बाकी और कहीं कुछ है नहीं, ठीक है, टोटल ये कितना हो गया, 4, 2, 6 और मिल गया, मतलब ₹2110 हो गया M3। क्लियर, अब देखिए अगर हम देखते हैं कि मिटा दूंगा तो अभी हट जाएगा, अब देखिए अगर इसमें देखते हैं बेसिकली ₹1000 ही टोटल थे जो बाकी सर्कुलेट होते 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 कितना बन गया है
2710 रुपए, कितना ज्यादा मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर टोटल कितना हो गया। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1000 का पैसा था वो 2710 रुपए में कन्वर्ट हो गया, यानी 2710 बटे 1000 करेंगे यानी एक रुपया बेसिकली 2.7 रुपए बन करके निकल के आ रहा है। यानी ये एक ही जो अमाउंट है, एक रुपए जो है अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो करके 2.71 रुपी बन जा रही है। इस 2.71 रुपी को ही बोला जाता है क्या, मनी मल्टीप्लायर। कैसे निकाला मैंने, M3 में M0 का डिवाइड करके ये मुझे बता दिया कि मनी कितना मल्टीप्लाई कर रहा है, और इसी को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। देखिए M3 को जब M0 से आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस बस यही है कि आप जितना भी पैसा, एक रुपए मान लीजिए छापा गया था, एक रुपए RBI ने छापा, तो ये वर्चुअल करेंसी के फॉर्मेट में 2.7 रुपी मल्टीप्लाई होकर के हो गई है, 2.71 रुपी मल्टीप्लाई होकर के हो गई है, और इसी को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। क्लियर हो गया क्या चीज है, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने देखा, इतना डिटेल में वैसे बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है, ध्यान से सुने थे हम लोग। चलिए, इट रिप्रेजेंट्स मनी सप्लाई एज इन फॉर ईच रुपी ऑफ मनी ऑफ सेंट्रल बैंक इन इंडिया हाउ मेनी रुपी गेट्स जनरेटेड इन इंडियन इकोनॉमी। एक रुपए से कितना रुपए जनरेट हो जा रहा है उसी के बारे में बोला था, मनी मल्टीप्लायर के बारे में। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो बेसिकली क्या देखा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम लोगों ने देखा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि केवल और केवल सेविंग अकाउंट या फिर सेविंग्स हो गई या फिर टाइम डिपॉजिट हो गई, इनके थ्रू क्या मतलब मनी मल्टीप्लायर वगैरह हुआ है। लेकिन क्या नंबर ऑफ चीजें अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आ गई है, नंबर ऑफ चीजें हमारी इस समय मॉडर्न वर्ल्ड में आ गई है। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे क्या हो गया, बॉन्ड पेपर वगैरह हो गया, ट्रेजरी बिल वगैरह हो गया, गोल्ड पेपर वगैरह हो गया, बहुत सारी नंबर ऑफ चीजें हैं। तो इस वजह से हम लोगों को मॉडिफाई भी करना पड़ा हमारा ये जो मनी सप्लाई है, इस मनी सप्लाई को हम लोगों को चेंज करना पड़ा अपने इस न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट पे। अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट क्या है, लेट अस लुक इनटू दिस। तो सबसे पहले आती है जो हमारी न्यू मल्टीप्लाई, न्यू मनी वन है। इस न्यू मनी वन को बोला गया कि जो करेंसी विद द पब्लिक है, तो जितना जनता के पास में पब्लिक है पैसा जितना है, यानी कि क्या हो गया एक तरीके से M1, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम इसमें इंक्लूडेड था M1 में, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। अदर डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, अदर डिपॉजिट का मतलब हो गया कि जो भी ट्रेजरी बिल वगैरह है, तो जो भी ट्रेजरी बिल वगैरह के थ्रू पैसा लिया गया है ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि ट्रेजरी बिल न्यू कंसेप्ट है, ये एक न्यू कंसेप्ट है, क्लियर। तो इसको बोला गया NM1। M1 में अभी तक क्या होती थी, ऊपर देखिए M1 में क्या होती थी, M1 में करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद द RBI। सेम वही चीज क्या यहां पर भी इंक्लूड कर दी गई है, डिमांड डिपॉजिट और सब कुछ। तो बेसिकली क्या है, M1 कन्वर्ट हो गया NM1 में, M2 कन्वर्ट हो गया NM2 में। कैसे, NM1 प्लस शॉर्ट टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। अब जैसे क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे बॉन्ड पेपर बिकते हैं, इस बॉन्ड पेपर को बेसिकली परचेज करके NM2 ले आया जाता है। सिमिलरली NM3 जहां पर लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट होती है, कॉल और टर्म फंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉल और टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC जो इन्वेस्ट कर रही है इसमें, उनके बारे में टोटल NM3 हो गया। और इस तरीके से ये बन जाता है हमारा सबसे ब्रॉड मनी ये बन जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है, इसको बोला जाएगा, इसको तो नहीं, M0 को बोला जाता है रिजर्व मनी। एंड दिस इज सेम, NM हो चाहे हमारा नया वाला हो चाहे पुराना वाला हो, सारा का सारा सेम हो जाता है। क्लियर हो गया, न्यू कंडीशंस भी आपको इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद से लिक्विडिटी एग्रीगेट के बारे में देखते हैं कि आखिर में इन सबको लेकर के लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब, चूंकि हमारे पास लिक्विडिटी का मतलब ये हो जाता है कि कितना पैसा, मतलब पैसा हार्ड करेंसी में है, कितनी जल्दी आप किसी चीज को रुपए में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैसा तो सबसे ज्यादा रहेगा, सेविंग्स वाला फटाफट कर सकते हैं आप, फिक्स डिपॉजिट आप फटाफट कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट में आपको टाइम लग जाएगा, ट्रेजरी बिल में बहुत टाइम लग जाएगा, बॉन्ड पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा, प्रॉपर्टी में बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है, तो सबसे ज्यादा एंड में जितने ये बॉन्ड पेपर से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड या फिर पेपर वर्क से रिलेटेड है, ये सारे के सारे सबसे कम लिक्विड है। तो इसी वजह से बोला गया जो हाईली लिक्विड है वो क्या है, NM3 जो हमारा इस तरीके की चीज है, प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक।
L2 जो होती है जो बाकी दूसरे नंबर पे होती है वो होती है L1 जितना प्लस टर्म डिपॉजिट द टर्म लेंडिंग, मतलब बॉन्ड पेपर, दिस इज बॉन्ड पेपर। ठीक, आगे इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में आगे बताया गया कि इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग टर्म बोरोइंग बाय एफआईज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली सारे के सारे जो निकाल रहे हैं वो बॉन्ड पेपर निकालते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनीज हो चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो। क्लियर। लास्ट में आती है हमारी L3 जो L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट विद द NBFCs। NBFC जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में जो इन्वेस्ट किए रहते हैं वो सारा का सारा भी यहां पर काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा लिक्विडिटी एग्रीगेट किस तरीके से आगे मूव कर रही है। तो बेसिकली यही जो लिक्विडिटी का हम लोगों ने सीक्वेंस देखा हुआ है, इसी सीक्वेंस को आगे इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया क्या चीज है। बाकी इसके बाद जो है देखिए यहां पर कुछ कुछ छोटी छोटी और भी चीजें हो जाती है जो थ्योरेटिकल टाइप की है। जैसे एक होती है, इसको बोला था हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब कितना होता है, क्या होता है, जो रुपए पैसे में पड़ा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। जैसे M0, द न्यू करेंसी प्रिंटेड बाय सेंट्रल बैंक फॉर डिपॉजिट फाइनेंसिंग इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। कुछ नहीं है, बस वही चीज है हाई पावर्ड मनी का, मतलब जितना भी कॉइन हो गया या नोट हो गया या फिर रिजर्व हो गया जो बैंक वगैरह में होता है, तो M0 हो गया। M0 नहीं, इनफैक्ट M1 बोलेंगे क्योंकि बैंक डिपॉजिट भी यहां पर होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स हो जाते हैं सेविंग्स बैंक में। क्लियर, ये होती है हाई पावर्ड मनी। दूसरी एक मनी होती है, इसको बोलाता है फिएट मनी। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। फिएट मनी होती है, फिएट मनी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट मनी रिलीज करती है। गवर्नमेंट मनी रिलीज करने का मतलब जैसे क्या है कि मान लेते हैं ये 100 रुपए 500 रुपए इस तरीके की नोट है, इसकी कीमत एक्चुअल में 2 से 3 रुपए होती है केवल, लेकिन ये है क्या, एक तरीका का ये पेपर है जो ट्रस्ट मेंटेन करके रखा है, जहां पर गवर्नर ने, आरबीआई गवर्नर ने इसको एश्योर किया है कि अगर आप ये रुपए लेकर के आएंगे तो मैं आपको इक्वल अमाउंट का कोई ना कोई आइटम दे दूंगा। इक्वल अमाउंट का देने का मतलब बॉन्ड पेपर दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद के दे सकते हैं, लोन अमाउंट दे, कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग इट कैन गिव। ठीक है, फिएट मनी हो जाती है। फिएट का मतलब वही चीज होती है जहां पर एश्योरिटी आप किसी चीज की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज एश्योरिटी, या बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली ट्रस्ट। ठीक, तीसरी होती है, इसको बोलाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, आज खाइए, आज खाइए, बाद में दीजिएगा। समझ में आ गया क्या चीज है, आज खाइए बाद में दीजिएगा, मतलब ये कमोडिटी वैल्यू से काफी ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देना होता है क्रेडिट मनी। तो यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सब लोग क्रेडिट कार्ड का फंडा जानते ही होंगे, आज पे करिए बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट होती है, और वो होती है हमारी फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी, इस फिड्यूशरी का मतलब होता है कि जहां पर ट्रस्ट के बेसिस पे काम होता है। ट्रस्ट के बेसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे कई बार आप लोगों को सब्जी वाले के पास में जो किलोग्राम का वेट होता है, वेइंग मशीन्स पे वे जो होनी चाहिए, जो बाट होनी चाहिए, वो ना होकर के ईटा पत्थर वगैरह कुछ भी रखे रहते हैं सब। तो बेसिकली क्या होता है, बताते हैं कि इक्वल डिनोमिनेशन का ये या इक्वल वेट का ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल है। तो आपने क्यों मान लिया इसको, क्योंकि आपने क्या इन पर विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, आपने कहा कि चलो ठीक है दिस इज अ फॉर्मेट, कि हाँ ठीक है चलो मीडियम के फॉर्मेट में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड यहां पर भी क्या है, दोनों लोगों के बीच में आपसी सहमति हो जाती है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या होती है, जो भी गुड्स है उसका एक्सचेंज हो जा रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये हम लोगों ने देखा बेसिकली ऑल टाइप ऑफ मनी, कितनी भी तरीके की मनी हो सकती है। इसके अलावा एक और नया कंसेप्ट आजकल आके रखा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसी करेंसी है जो वर्चुअल है, जो देख नहीं सकते, वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी होती है, जैसे क्या होता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम। पेटीएम, पेटीएम में क्या होता है, आपको वॉलेट पे आपका पैसा दिखा रहा होता है, लेकिन ये वर्चुअल पैसा होता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में पैसा आपके पास हाथ में नहीं है, इट इज शोइंग दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। इसके अलावा कोई जो शेयर मार्केट वगैरह करता होगा उसके पास डीमैट अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट में भी आपको वर्चुअल करेंसी दिखा रही होती है, वर्चुअल करेंसी, और इस वर्चुअल करेंसी से ही आप ट्रेड कर रहे होते हैं। जितना पैसा आप जो होता है अल्टीमेटली अपने अकाउंट में कर लेते हैं वो आपके पास हार्ड करेंसी में आ जाती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ऑन द सिमिलर लाइन क्रिप्टो करेंसी भी होती है। क्रिप्टो करेंसी का फंडा क्या होता है, दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ बिटकॉइन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये एक तरीके की चेन करेंसी होती है। चेन करेंसी होती है, क्या चीज होती है, ये होती है, जैसे मान लेते हैं सपोज दिस इज अ रूम, ये एक रूम है,
मान लेते हैं कोई एक रूम है, इसमें कितने डोर हैं, कितने डोर हैं, हाउ मेनी डोर्स आर देयर, पता नहीं कितने डोर हैं, पता नहीं। कोडिंग करेंगे, कोड करने वाले लोग कोडिंग करेंगे और इसमें एक रूम क्रिएट करेंगे। जैसे ही रूम ये क्रिएट करेंगे, इनके पास में एक सॉल्यूशन आ जाएगा एंड नाउ यू कैन सेल दिस सॉल्यूशन, सेल दिस सॉल्यूशन। जो लोग भी इसको सेलिंग करेंगे, जो लोग भी इसको खरीदेंगे, ऑब्वियसली दिस जो सेलर है ये बिडिंग कर रहा होगा, ये बिडिंग कर रहा होगा। अब बिडिंग करने में जो लोग इसको खरीदेंगे, जो मतलब कस्टमर आएंगे इसको खरीदेंगे, उसी से ये अपना पैसा कमा रहे होंगे। ये जो सेलर पैसा देगा, इसी को बोला जाएगा क्या, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अब इसके पास ये आ गया बिटकॉइन, या फिर बोल सकते हैं इसके पास ये आ गया एक सॉल्यूशन, इस दरवाजे का, इस रूम का सॉल्यूशन इसके पास आ गया है। एंड नाउ ही कैन अगेन सेल इट। और ये ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 100 रुपए देके खरीदा होगा, तो अब ये 110 रुपए पे बेच रहा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नया कोड निकाल करके कोई दूसरा रूम क्रिएट किया, ही हैज अर्न अनदर बिटकॉइन, इसने अनदर बिटकॉइन अर्न कर लिया है, नाउ ही कैन ऑल्सो सेल इट। और इस तरीके से वर्चुअल करेंसी, या कह दीजिए इस तरीके से ये पूरी की पूरी बिटकॉइन का फंडा काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है बिटकॉइन का फंडा? देखिए, क्रिप्टो करेंसी इट इज अ फॉर्मेट ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी, विच इज डेजिग्नेटेड टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूज क्रिप्टोग्राफी मेथड टू कीप इट सिक्योर द ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी यूजेस डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है जहां पर एक चीज दूसरे चीज के द्वारा लिंक होती है। क्लियर हो गया? That means you do not need any third party server like bank or government, other authorities to perform any type of transaction, जैसे Bitcoin या Ethereum. Ethereum is also a type of virtual currency या फिर cryptocurrency. Clear? अब इसके बाद में हो जाता है हमारी कुछ ATM के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ATM हमारे यहाँ बहुत तरीके के होते हैं, पहले ATM के बारे में देख लेते हैं। ATM is automated teller machine entered by India by late 1980s. And have evolved into three different types. तीन तरीके कैसे हो जाते हैं? तीन तरीके ऐसे होते हैं, एक होता है SBI. SBI एक बैंक है और अपने कस्टमर को ज्यादा अच्छे से अच्छा, मतलब कह लीजिए कि फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, और ज्यादा भीड़ ना लगे ब्रांच में, इसलिए क्या करता है, ये ATM बना देता है। जिनको जिनको अपना ATM यूज करना है, अपना एक कार्ड ले लीजिए, कार्ड का अपना एक पेमेंट यहां पर पहुंचाते रहिए। पेमेंट का मतलब कि एक तरीके से ये फीस होती है जो आप ATM को मतलब यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो ATM यहां पर यूज किया जाता है। तो यहां पर बैंक वाला खुद अपना ATM लगाया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, चूंकि SBI वाला मेनली क्या है, मेनली एक बिजनेस एंटिटी है जो कि ट्रेड, मतलब कह लीजिए बैंकिंग करना जानता है, ये बेसिकली इनका मेन फोकस है बैंकिंग। ATM की रख रखाव, मेंटेनेंस या इसको बनाना इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, और कभी भी नहीं चाहेगा कि ये खुद ऐप ATM जाकर के बनाए। तो इसके बाद क्या होगा, एक हमारे भाई साहब आएंगे, वो कहेंगे कि SBI के पास जाएंगे, कहेंगे यार तुम ATM बना पाओगे नहीं, मेंटेनेंस भी नहीं कर पाओगे। SBI कहेगा हाँ यार बड़ा मुसीबत होता है। तो ये बोलेगा ऐसा है, हम आपके नाम पे, आई एम द थर्ड पार्टी, और मैं क्या करूंगा, आपके नाम पे ATM बनाऊंगा और सब कुछ आपके नाम का ही रहेगा, मेंटेन मैं करूंगा, मुझे इसके बदले में पैसा दीजिएगा पर ट्रांजेक्शन, जितने लोग पर ट्रांजेक्शन करेंगे, जितना ट्रांजेक्शन करेंगे उसी हिसाब से मुझे एक अपना पैसा दे दीजिएगा, मतलब कि मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज दे दीजिएगा। SBI कहेगा बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, हमको क्या है, टेंशन खत्म हो गई हमारी, दो पैसा आप जो होता है ज्यादा ही ले लीजिएगा, लेकिन टेंशन तो खत्म हो गई हमारी, अब रख रखाव करने की जरूरत नहीं है, और कल को अगर ATM के साथ कोई छेड़छाड़ या कुछ भी होता है तो ये व्यक्ति नपेंगे, इन्हीं को पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, इनका एक काम खत्म हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ATM, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ ATM। और एक और होते हैं तीसरे टाइप के, जो एकदम इनको बैंकिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है, बस क्या है, ATM इनके लिए एक मशीन होती है और रूम इनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस रूम मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ये लोग चार्ज ले रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन, जिनको इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन, जिनको कि इस फाइनेंशियल एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास तीन तरीके के बैंक हो जाते हैं। एक बैंक होता है जिसको बोला जाता है बैंक का ओन ATM, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंसर्न्ड बैंक एंड कैरी द बैंक लोगो, दे आर कॉस्टलीएस्ट वे टू प्रोवाइड
सच सर्विस टू बैंक कस्टमर, क्योंकि उनको मेंटेन करना पड़ता है। दूसरे होते हैं ब्राउन लेवल एटीएम, जो ये वाला बंदा हो गया कि जहां पर द ओन्ड बाय थर्ड पार्टी नॉन बैंकिंग फर्म एंड कंसर्न्ड बैंक्स ओनली हैंडल पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज कैश हैंडलिंग एंड बैक एंड सर्वर कनेक्टिविटी। ये कैरी करते हैं लोगो ऑफ द बैंक विच आउटसोर्स देयर सर्विस। तो SBI वाले हैं तो SBI वाला पैसा दे देगा। तीसरा होता है जो व्हाइट लेवल एटीएम, या इसी को बुलाता है व्हाइट एलिफेंट, इसी को बुलाता है व्हाइट एलिफेंट एटीएम। इसमें क्या होता है, जैसे टाटा इंडी कैश देखे होंगे आप लोगों ने, टाटा इंडी कैश हो गया, तो ये एक तरीके का व्हाइट लेवल एटीएम ही होता है। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई अ थर्ड पर्सन नॉन बैंकिंग, दे डू नॉट बियर एनी लोगो, यहां पर टाटा वाले अपना लोगो वगैरह लगा के रखे रहेंगे। ऑफ द बैंक दे सर्व इन प्लेस दे कैरी लोगो ऑफ द फर्म विच दे ओन, तो टाटा वाले अपना टाटा का लगा के रखे रहेंगे। और यहां पर पूरी की पूरी बैंकिंग फैसिलिटीज, या फिर कह दीजिए कि जो भी एटीएम में काम होता है वो पूरा का पूरा ये काम किया जाएगा। तो इस तरीके के बेसिकली तीन तरीके के एटीएम होते हैं, जहां पर ये खुद का होता है, खुद जो बैंक है उसी का होगा, यहां पे थर्ड पर्सन का होगा, यहां पे कैश हैंडलिंग और बैक एंड सर्वर इनके द्वारा लिया जाता है, यहां पर कह लीजिए कि ओन जो किया जाता है वो किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा, लेकिन जो बाकी चीजें होती हैं वो बैंक ही देख रहा होता है। यहां पर ऑपरेशन और बैंक दोनों के दोनों थर्ड पर्सन देख रहा होता है। यहां पर ऑपरेशन जो होती है वो बैंक देख रही होती है, ओनिंग जो होती है वो थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। यहां पे ओन और ऑपरेशन दोनों ही बैंक के मतलब कि थर्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एटीएम सिस्टम देखा, क्लियर हो गया। तो देखिए हमारी ये काफी लंबी वीडियो जा रही है, तो हम लोग इसको भी यहीं पर स्टॉप करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे हमारे NBFC एंड ऑल दैट असेट वगैरह के बारे में देखते हैं, तो आगे हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं इसके बारे में।